ऐसे है जी, अप्रैल को ट्रेनिंग हुई थी होमगार्ड की, उनकी बकायदा गोली चलानी थी, और ये पहली बार है इन्होंने 6 महीने काट दिए, नहीं तो 15-20 दिन में हो लिया अगर सारा काम। ये बालक दूर दूर तक आवे हैं, भाड़ा लावे हैं, ट्रेनिंग में भी आए थे, 125 बालक एक बैच में थे, अलग अलग वो थे, और इनकी बेरे नि मनसा समझ में नहीं आती। प्रशासन जो इन होमगार्ड वाला है कई बार आ लिया है, और ये ना संतुष्ट जो जवाब देंदे नहीं, कदे नुगा हमारी इंक्वायरी हो रही, कदे ये दांत पड़न लग जाए सीरियस मुद्दे पर, इनका जमा मतलब ला लो कि मैं भी यानी संतुष्ट जवाब नहीं है। और ये आज हम आए थे अड़े इसे खतरे भी इनू कहें भाई मानती 10-15 दिन का टाइम दो, और तम भी अड़ मौके पर थे, सारे भाई मौके पर थे, और ये 10-15 दिन का टाइम मांगा, मगर हमारी संतुष्टि इस बात पर भी नहीं हो रही क्योंकि इनकी जवान की तसल्ली को नहीं। कितना पुराना मैटर है? मैटर भाई अप्रैल में हुई थी, जो 2022 में अप्रैल में ट्रेनिंग हुई थी भीम स्टेडियम में, ठीक है, 125-30 बालकों का बैच था, अलग अलग बैच थे, और ये भी ना आगे ऑनलाइन की तैयारी कर रखी है कि भाई मान लीजिए कई बालकों के तो 1000-1000 रुपये उल्टे भी देने लाए रहे, मगर हम हमारा जो बैच है, ये जो हमारे और साथी हैं, हम अपना पैसे उल्टे के लिए को नहीं, हमने चाहिए अपना सर्टिफिकेट, सीधी सी बात है, या और इन्होंने देना पड़ेगा। अब आप लोग इनसे मिले तो इन्होंने क्या कुछ ये इन्होंने कह दिया बोले फलाना की इंक्वायरी चल रही है दखड़े की, मारा दुरा गोली कोनी, मारा दुरा नू कोनी, इवन नवरात्र वाली अड़ा दी, देवसराली देवसराली ना होगी, उड़ डाणा में भी बताऊँ डाणा में भी हो, उड़ा करवा दो मारी तो बड़ू रेत गणाए पड़ा बेणी में, कितने मरवा दो, कितने झूठे आश्वासन देने लाए रहे हैं, कदे किमें बात कह दें, कदे भाई मांगे पूरी नहीं हुई, तो हमारा जो 125-27 का बैच यो और एक अगला इसके और सारे भाई इकट्ठे होगी यानी प्रदर्शन करांगे, और इब भी हम भी अपना SP साहब भी दे के आवाँगे, ज्ञापन भी दे के आवाँगे, क्योंकि हमारी संतुष्टि बिल्कुल नहीं हो रही। क्या मामला है? सर हमारी अप्रैल बैच में है ना होमगार्ड की ट्रेनिंग हुई थी, तो हमारी फायरिंग बाकी थी, अब ये फायरिंग नहीं करवा रहे, रोक रखी है इन्होंने, 5-6 महीने हो गए, नहीं तो फायरिंग तुरंत हो जाती है ट्रेनिंग ख़त्म होते ही, तो हम 4-5 बार इकट्ठे हो गए होमगार्ड ऑफिस में भी आए हैं और पूछ के गए हैं, ये हर बार तारीख पे तारीख दे देते, भाई हमारे पास बंदूक नहीं है, गोली नहीं है, ये नहीं है, भाई चार्ज नहीं हमारे पास, चंडीगढ़ जाएंगे लेके आएंगे, इन्होंने कुछ अच्छा जवाब नहीं दिया, ये प्रॉब्लम है सर। आज हम मिलने आए तो ये बोल रहे हैं भाई हमें 23 तारीख तक करवा देंगे, और फिर ये बोल रहे हैं नवरात्रे आ गए तो फिर वहाँ पे जो देवसर में होती है फायरिंग, वहाँ से हमारे को परमिशन नहीं मिलेगी, वहाँ पे मेला मेला लगता है ना इसलिए, तो फिर ये बोल रहे हैं भाई हमारे पास परमिशन नहीं मिलेगी, तो फिर टाइम लगेगा, अक्टूबर में करवाएंगे, तो हम कितने दिन वेट करेंगे, गांव से आते हैं, भाड़ा भी लगाते हैं, पैसे भी लगते हैं, सब कुछ लगता है, फ्री में तो कोई लेके नहीं आता, तो फिर ये करवाते क्यों नहीं, या तो मेन प्रॉब्लम बताओ हमारे को, ये प्रॉब्लम है भाई, 1 तारीख दो, हम बार बार 10 दिन में फिर इकट्ठे हुए, 10 दिन में फिर हुए, ये प्रॉब्लम है सर कि भाई फायरिंग नहीं हो रही, और सब जगह तो हो चुकी है, ये प्रॉब्लम। फायरिंग के बारे में सर, ये जवान जो आए हैं फायरिंग के लिए, इनकी अप्रैल में क्लास चली हुई थी CFTC की, ठीक है, यहाँ पर जो क्लास जो इंचार्ज थे वो मैं बीमार होने से मेडिकल पे थे, और वो 31 अगस्त को रिटायरमेंट हो गए, ठीक है, और मेरी यहाँ एडिशनल चार्ज मेरे को दिया 5 अगस्त को, ठीक है जी, ये भाई मेरे पास आए थे तो मैंने इनका बारे में कन्फर्म करके पूछा था, साहब ने कहा था कि 1 जुलाई से यानी ऑनलाइन फॉर्म हो गए CFTC की, आगे क्लास बंद होगी, हमने सबसे पूछा तो साहब ने कहा कि क्या नाम लिया, अगर अभी इनका फायर करवाना है, इसके लिए हमने चंद परमिशन ले चुके हैं, मैं के लिए हमने लिख चुके हैं, ठीक है, और एम्यूनेशन अलाट होना हमने गुड़गांव से, एम्यूनेशन अलाट होती है हमें गुड़गांव से, और हथियारों का भी चार्ज जो रिटायरमेंट हुए हमारे कर्मचारी उन्हीं के रिटायरमेंट जो कर्मचारी उन्हीं के पास हैं उनको हमने अंडर चार्ज रिटायरमेंट किया हुआ है, वो बीमारी की वजह से अभी फिलहाल ऑफिस में नहीं आ रही, जैसे हमने उनका हथियारों का चार्ज हमारे पास आ जाएगा और एम्यूनेशन अलाट होती है हमें इनका फायर, इसके लिए हम ऊपर से परमिशन ले के लिए सर, इनका कहना है कि ये बीमारी में इनका ऐसा है जी, इनका एम्यूनेशन कब अलाट हुआ है ये तो पत्र देखना पड़ेगा अभी इनका अप्रैल का, क्योंकि अप्रैल में क्लास चलती है तो हम कई बार एम्यूनेशन अलाट होने में कुछ आ जाती है उसकी वजह से लेट हो जाता है, पर ऐसा कुछ नहीं है कि भी और जिलों में हो रहा है अभी या नहीं हो रहा, फायर इनका होगा जी, जैसे तक होने की संभावना है सर, जैसे परमिशन मिल जाएगी जल्दी जल्दी करा देंगे, इसके लिए हमने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है जी, हमने बाइक का लिख भी लेटर लिख रखे हैं जी, जिलाधीशक को हमने लेटर लिख रखे है, और हमारे जो जिलाधीशक वो बैठते हैं जी प्रिंसिपल एडिशनल चार्ज ही होंगे, हाँ इनका जैसे भी एम्यूनेशन अलाट हो या हथियारों का चार्ज मिलती तुरंत प्रभाव से इनका फायर करा दें।